আছে আমার, মেঘে মেঘে হারিয়ে যাবা। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ और एक मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल बंगाली स्टाइल में की हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ और दो मेकअप लुक शेयर की हूँ जो कि थोड़ा सा सिंपल में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेकअप लुक थोड़ा हैवी भी है क्योंकि नवरात्रि है, तो थोड़ा सा हैवी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाई हूँ टोनर ताकि मेरा फेस जो है थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लगे, और इसको अच्छे से फेस में डाब डाब करके स्किन पे एब्जर्व होने के लिए छोड़ूंगी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ NY Bay का सीरम। ये बहुत ही लाइट वेट है, आपका स्किन में इजीली एब्जर्व हो जाता है। एक वाटर बेस्ड सीरम है ये, और इसको लगा के फेस पे अच्छे से मसाज कर लूँगी। और क्योंकि ये जो मेकअप है थोड़ा सा हैवी है, तो उससे पहले अच्छे से मैं स्किन केयर कर लूँगी। नेक्स्ट आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का आईलाइनर, और उससे एक ब्राउन कलर का आईलाइनर लेके मैं मेरा आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। ये आईलाइनर का जो ब्राउन कलर है ये आईब्रोज को फिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक स्पूली के हेल्प से अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि जो भी एक्सेस हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट एक वर्की का कंसीलर लेके मैं मेरा आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा आईब्रोज जो है वो और भी ज़्यादा शार्प लगे। उसके बाद एक छोटा सा स्पंज के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का फेस क्रीम, और इसको पूरा फेस पे लगा के अच्छे से मसाज कर लूँगी। प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ SFR का ऑल डे प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और हमारा जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बनता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं कंसीलर ले रही हूँ, और मैंने सेम स्टेक वर्की का ही कंसीलर यूज़ किया है। इसको लगा के स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेके मैं मेरा जो कंसीलर है उसको सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं मेरा आईज़ के साइड में टेप लगा रही हूँ ताकि आई शेडो और आईलाइनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगे। उसके बाद वाइट कलर का आई शेडो लेके पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ। नेक्स्ट ये वाला शेड लेके मैं इसको एज ए ट्रांजिशन सेट अप्लाई कर रही हूँ, और इसको एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये वाला शेड लिया है, और इसको मैं मेरा आउटर विंग से स्टार्ट करके मेरा इनर विंग तक लेके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट एक ब्लैक आई शेडो लेके मैं सिर्फ मेरा आउटर कॉर्नर पे इसको प्लेस कर रही हूँ, एंड देन एक ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसको सिर्फ मेरा आउटर कॉर्नर पे लगा के ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सारे आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट एक गोल्डन कलर का शेड लेके मैं मेरा आईलिड के ऊपर लगाई हूँ, एंड देन वो ब्लैक आई शेडो के साथ ये गोल्डन आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों में कोई भी हार्श लाइन ना दिखे।
आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का ब्लैक कलर का आईलाइनर और इससे एक विंग क्रिएट करूँगी क्योंकि बंगाली लोग का आईलाइनर ही मेन पार्ट रहता है और इससे एक अच्छा वाला विंग क्रिएट करूँगी। और मैं ऑफ कैमरा फॉल्स आईलैशेस लगा ली हूँ। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन दिस सेड गोल्डन बीच। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो आप जब भी लेंगे इसको वन शेड लाइट ले तब जाके आपका परफेक्ट सेट आएगा। और इसको एक स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद सेम कंसीलर को मैं मेरा आइज के नीचे और जहाँ जहाँ भी कंसीलर करने का ज़रूरत होता है सेम उसी जगह पे लगा के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी स्पंज के हेल्प से। नेक्स्ट फेस को सेट कर रही हूँ स्टेक वर्की का ट्रांसल्यूशन पाउडर से जो कि एक येलो कलर में है और इसको पूरा फेस पे लगा लूँगी। उसके बाद एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड और बाकी जगह पे इसको बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मैंने लॉयल लैश लाइन पे सेम आईलाइनर यूज़ किया है म्यूजिक फ्लावर का। और जो भी पाउडर था उसको मैं अच्छे से रिमूव कर रही हूँ ब्रश के हेल्प से। उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट फेस को अच्छे से कॉन्टर कर लूँगी जिस जिस जगह पे कॉन्टरिंग करते हैं नॉर्मली। फॉर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर और इसको मैं मेरा फेस पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ पे भी हाइलाइटिंग का ज़रूरत है। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेकअप को सेट कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे से। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इसाबेला की लिक्विड लिपस्टिक जो कि एक रेड कलर में है एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है 04। और ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगा। उसके बाद NYB का ब्लैक कलर का काजल से मैं मेरा वाटर लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर रही हूँ और थोड़ा सा इनर कॉर्नर का हाईलाइट कर रही हूँ गोल्डन कलर का आई शेडो से। एंड लास्टली एक बिंदी यूज़ कर रही हूँ लुक को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज बिंदी के बिना ये वाला लुक जो है वो इनकम्प्लीट लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को ये वाला लुक कैसा लगा।